नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लिवेश में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान, स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपीज़। कई बार ऐसा होता है कि घर पे लाए हुए केले जल्दी से पक जाते हैं और फिर गल जाते हैं, इसलिए आज हम देखने वाले हैं कि पके केलों के साथ आप बढ़िया आइसक्रीम कैसे बना सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इस रेसिपी के लिए सामग्री की सूची आप यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के पके केले लिए हैं। अब हम इन्हें छील लेंगे। बीच वाला जो केला था वो थोड़ा सा खराब होने लगा था, इसलिए मैंने उसे रिप्लेस कर दिया है। अब हम इस तरह से केले को स्लाइस करेंगे। केले का अगर कुछ खराब हिस्सा है तो वो आपको निकाल देना है। अब हम इन केले के स्लाइसेस को एयरटाइट कंटेनर में रख के 2 घंटे के लिए चिलर में रख देंगे। आप चाहें तो पूरे केले वैसे के वैसे छिलके के साथ भी चिलर में रख सकते हैं। केले के स्लाइसेस ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें ब्लेंडर जार में डाल देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 कप बिल्कुल ठंडा यानी कि चिल्ड दूध। मलाई के साथ डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद और टेक्सचर आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1/3 कप चीनी। अगर आपको ज़्यादा मीठी आइसक्रीम पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे एयरटाइट कंटेनर में डाल देंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ है। एक ध्यान रखना है, जब आप कंटेनर में डालते हैं इसे तो थोड़ी सी जगह आप ऊपर की तरफ रख दीजिए, क्योंकि जब भी आइसक्रीम तैयार होती है तो वो थोड़ी सी एक्सपांड हो जाती है, तो अगर आप कट टू कट भर देंगे डब्बे को तो शायद उसमें कोई क्रैक आ सकता है। और जितना हो सके प्लास्टिक के कंटेनर्स अवॉइड कीजिए। मैं यहाँ पर कांच का कंटेनर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसे 2 घंटे के लिए आइसक्रीम ट्रे में रख देंगे। मिश्रण को आइसक्रीम ट्रे में रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अगर आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स बन गए हैं तो वो अच्छी तरह से आपस में मिल जाए और अच्छी क्रीमी स्मूद आइसक्रीम तैयार हो। अब हम इस मिश्रण को डीप फ्रीज़र में रख देंगे कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए, जब तक कि आइसक्रीम अच्छी तरह से जम नहीं जाती। बढ़िया सी बनाना आइसक्रीम तैयार है। चलिए इसे स्कूप करते हैं। इसे स्लाइस्ड पिस्ता से गार्निश करेंगे। आप चाहें तो आइसक्रीम के मिश्रण में भी पिस्ता डाल सकते हैं। आप इसे टूटी फ्रूटी से भी गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस आइसक्रीम बनकर तैयार है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।